हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल BES एंटरटेनमेंट। एक बार हम फिर हैं राहुल सर जी के साथ में वरदा नगर रोड फीड पे, और आज बात करने वाले हैं कैटल फीड्स की। तो कैसे हैं राहुल जी? बस बढ़िया एकदम। आप बताइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका वरदा नगर लाइवस्टॉक रिजवान भाई। तो इस वीडियो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं रिजवान भाई? हम लोग एक अपना कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा प्रोडक्ट है मिल्को फैट जी, जो बेसिकली गाय और भैंस के लिए बना हुआ एक सर्वोत्तम फीड है, उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं जी। तो ये देखेंगे आप, इसमें जो हम लोग बना डालते हैं, जो उसमें इंग्रीडियंट्स डालते हैं जी, तो पहला तो ये है कि ये भारत का सबसे ज़्यादा फैट देने वाला और सर्वाधिक दूध देने वाला फीड है। हम लोग इसके अंदर ग्वार मील का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखेंगे ये ग्वार मील है, इस ग्वार मील के अंदर लगभग आपका जो प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है वो पाया जाता है लगभग 50% के आसपास ऑर्गेनिक तरीके से जी। तो इससे लगभग आपका जो फैट प्रतिशत है वो लगभग 4.5% बढ़ता है, और जो दूध की मात्रा वो लगभग 7.5% तक बढ़ती है। और ये एकदम प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो ग्वार के यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखेंगे बाहर के देशों के अंदर जो हाई यील्ड लेते हैं मिल्क का, काफ़ी अमेरिका यूरोप के अंदर वो ग्वार का ही यूज़ करते हैं, और सारा ग्वार अपने इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। तो हम लोग इसमें ग्वार मिल का यूज़ करते हैं, जिससे मिल्क और फैट दोनों बढ़ता है। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर आयुर्वेद का भी चीज़ें डालते हैं, जैसे शतावरी से काफ़ी अच्छा मिल्क हमको मिलता है शतावरी। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर बाईपास फैट यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं बाईपास फैट बेसिकली क्या होता है कि आप देखेंगे तो दूध को निकालते वक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है गाय को, या फिर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो ह्यूमंस के अंदर ये जो चीज़ है ये बेसिकली अमीनो एसिड्स जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो इसको प्रोटीन को जोड़कर अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो ये बाईपास फैट क्या डायरेक्टली उसके शरीर को मिलती है, तो उसको एक अच्छी मात्रा में लगभग आप मान के चलिए ये 10% तक दूध की मात्रा को बढ़ाती है। वैसे तो क्या है कि इंडिया के अंदर ये जो ज़्यादा दूध देती गाय उनके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे फीड के अंदर ये कॉमन है, हम सबके लिए इसको देते हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि सपोज़ करिए कि जो आज गाय दूध नहीं दे रही, जो ड्राई का हुआ है, लेकिन कल आने वाले वक्त में दूध देगी, तो अगर उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी है तो उस टाइम पर वो आपको अच्छा दूध मिलेगा। तो हम लोग उसको सभी में ऐड करते हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे तो हम लोग इसके अंदर टॉक्सिन बाइंडर्स में लाते हैं, क्योंकि गाय सूखा चारा खाती है, गीला चारा खाती है, तो उसके शरीर में कोई गलत चीज़ जाए तो टॉक्सिन बाइंडर उसको बाहर निकालता है, ताकि उसके अंदर उसके दूध के ऊपर प्रभाव ना पड़े या फिर उसकी सेहत पर बिल्कुल प्रभाव ना पड़े। हम लोग इसमें ईस्ट मिलाते हैं। ईस्ट जो आप ये देख रहे हैं, ईस्ट का मतलब ये होता है कि इससे पाचन अच्छा रहता है, इससे भूख अच्छी लगी रहती है, तो गाय आपकी तंदुरुस्त रहती है, काफ़ी सेहतमंद रहती है। और इसके अंदर ट्रेस मिनरल्स या मैं कहूँ विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, क्योंकि दूध के अंदर भी न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, और उसके अलावा गाय को अपनी सेहतमंद बनाने के लिए आपको जिंक भी चाहिए, कॉपर भी चाहिए, कोबाल्ट भी चाहिए, उसको हर तरह के मिनरल्स ही होते हैं। तो लगभग इसके अंदर हम लोग 17 तरह के मिनरल्स डालते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इसमें अमीनो एसिड्स का भी यूज़ करते हैं। अमीनो एसिड्स से प्रोटीन जल्दी बनता है, ज़्यादा बनता है, और वो गाय के शरीर को लगता है, जो कि दूध की मात्रा को बढ़ाता है। तो वैसे आप देखेंगे तो बहुत ही कम वैसे नहीं डालते हैं अमीनो एसिड्स काफ़ी फीड के अंदर। और तो जैसा मैंने आपको बोला कि ये लगभग आपको जो ग्वार है ये आपका ग्वार से लगभग आपका 4.5% 7% मिल्क इसमें बढ़ता है, चाहे वो आपकी भैंस के लिए हो या गाय के लिए। और इसके अंदर बाईपास फैट से हम 10% तक और बढ़ाते हैं। तो किसी भी भारत में जो भी आपका फीड मिलता है जी, कैटल फीड को लेकर भी गाय, उसमें अगर आप तुलना करेंगे तो लगभग आपको 20-25% इसके अंदर दूध की मात्रा मिलती है, एकदम जो आपको बता रहा हूँ मैं इंग्रीडियंट्स के हिसाब से। अगर आप इन पर रिसर्च भी करेंगे तो आप देखेंगे हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हमारे पास खुद का हमारा डेयरी फार्म है, जहाँ पे हम लोग इसका टेस्टिंग और ट्रायल करते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि जो आज बाज़ार में उपलब्ध हैं अदर कैटल फीड जो उधर है, उनसे ये बेहतर क्यों है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोटीन सबसे बड़ा सोर्स होता है एक आपके दूध का या फिर फैट का, तो बाज़ार में जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कॉटन सीड ऑयल के, जिसको आप कपास या खली बिरंगा खल बोलते हैं। खल बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। मतलब सारी कंपनियां, भारत की इतनी बड़ी कंपनियां सब इसको यूज़ करती हैं, लेकिन देखिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। हम लोग इसके लिए ग्वार जो है मैंने आपको बताया, जो क्लस्टर बीन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इसमें कैल्शियम बहुत कम होता है जी। फास्फोरस और कैल्शियम का रेशियो में 1:6 होता है, तो अगर आप गाय को खिलाते हो तो गाय में कैल्शियम की कमी आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप ये देख रहे हैं इसके अंदर येलो कलर का एक आपको पिगमेंट दिख रहा है, इसको गैसोफोल बोलते हैं, इससे आयरन की कमी आती है तो गाय। और सबसे बड़ी बात इसमें जब होती है, कुछ टाइम बाद जब आप इसको कंटिन्यूस खिलाने लगते हैं तो कुछ टाइम बाद गाय का दूध गाढ़ा होने लगता है, तो उसका बटर नहीं बन पाता है, तो ये गाय के अंदर समस्या आएगी। तो हम लोग इसकी जगह इसको क्लस्टर बीन को यूज़ करते हैं।
और सबसे बड़ी बात, दूसरी जो कंपनी है अमीनो एसिड्स या फिर आप देखेंगे ट्रेस मिनरल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है, वो लोग अधिकतर इसमें डाई कैल्शियम फॉस्फेट मिलाते हैं, कैल्शियम की मात्रा दे दी, दूध का काम हो गया। लेकिन एक गाय को संपूर्ण आहार के अंदर संपूर्ण विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए ताकि वो सेहतमंद भी रहे और ज़्यादा दूध भी दे। देखिए हमारा काम है आपकी फार्म की उत्पादकता को बढ़ाना जी, क्योंकि आपका 70% जो खर्चा होता है किसान का वो लगभग फीड के अंदर जाता है, उसके बाद वो बीमारी पे खर्च करता है। हम लोग इसमें आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करके देते हैं, बीमारियों से आपको आपके पशु को रोग मुक्त करते हैं, तो आपका एक वहाँ पे खर्चा बढ़ता है। दूसरा आपको इसमें ज़्यादा दूध की मात्रा मिलती है, दूसरा आपको इसमें फैट ज़्यादा मिलता है, तो बाज़ार में आपको दूध का भाव अच्छा मिलता है कंपेयर टू दूसरे फीड्स के। तो एक तरीके से ये आपकी प्रॉफिट मशीन है, ये आपके फार्म की उत्पादकता बढ़ाती है। और मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये भारत की ऐसी पहली कंपनी है जो अपने फीड के अंदर फीमेल रिप्रोडक्शन इन्हेंसर मिलाती है। इसका मतलब ये होता है कि गाय सही समय पे हिट पे है, गाय सही समय पे गेस्टेशन के पीरियड में है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप देखेंगे कि देरी से हिट में आना या टाइम पे गैबिन नहीं होना, इसके प्रमुख कारण होते हैं शरीर के अंदर हार्मोन्स बैलेंस नहीं होता है। तो ये क्या है, हर्बल फॉर्मूला है तो उसके हार्मोन को बैलेंस करता है, तो गाय सही टाइम पे आपके गेस्टेशन में आती है। देखिए दूध बढ़ा आपका, फैट बढ़ा आपका, पशु आपका रोग मुक्त रहा, आपकी गाय टाइम पे गैबिन हो रही है, गैबिन के टाइम पे आपका डिलीवरी के बाद अच्छा दूध दे रही है, तो ये आपको बिल्कुल एक ज़्यादा इनकम की तरफ ले जाता है, आपके व्यवसाय को और सफल बनाता है, आपका पैसा को आपके इन्वेस्टमेंट आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो ये संपूर्ण एक बैलेंस डाइट है उसके लिए। और जैसा कि आप देखेंगे बाज़ार के अंदर, जैसे बताता हूँ आपको, आजकल पैलेट फीड काफ़ी मिलता है, ये पैलेट फीड है जो हमने बाज़ार से लिया है, ये आपको देखिए मैं दिखाता हूँ इसके अंदर, इसको जैसे मैं हल्का सा तोड़ता हूँ ऐसे करके, तो पहले तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा है, ये आप देख रहे हैं इसमें दानों की मात्रा आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, और ये आपको सिर्फ ये पाउडर देगा जो बाजार में मिलता है। ये पाउडर जो होता है इसको बोलते हैं DORB, DORB का मतलब होता है जो राइस पॉलिश होती है ना, उस पॉलिश को ये लोग यूज़ करते हैं तेल निकाल करके, तो ये DORB बनता है जो कि बाजार में बहुत ही सस्ता आता है। इसको ज़्यादा खिलाने से भी पशु को समस्या होने लगती है, और दूसरा उसके मिल्क पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग क्या है कि इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते, हम लोग एक हमारा ध्येय यही है कि आपको आपकी उत्पादकता को हम लोग बढ़ाएँ, आपके काम की उत्पादकता को बढ़ाएँ। तो वरदान एग्रो भारत की एकमात्र कंपनी है जो एक अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे विटामिन मिनरल्स हो, वो आपको देती है, और श्योरिटी के साथ में 100% जो भी हम आपको बोलते हैं वो आपको रिजल्ट ला के देती है, आपकी फार्म की उत्पादकता बढ़ाती है और आपको और प्रॉफिटेबल बनाती है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वरदान एग्रो का मिल्को फैट है, ये आपका मिल्क भी बढ़ाता है, ये आपका फैट भी बढ़ाता है। ये ऑनलाइन मिल जाएगा? बिल्कुल, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान में, तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं जगह पर हरा चारा प्रचुर मात्रा में होता है, कहीं जगह पर हरा चारा प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, लेकिन गाय को हरा चारा भी चाहिए, सूखा चारा भी चाहिए, उसके अलावा उसको कंसंट्रेटेड फीड जो हम देते हैं वो भी उसको चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपका हरा चारा नहीं है प्रचुर मात्रा में, तो ये फीड इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसकी डोज को एडजस्ट करके उतनी ही उत्पादन गाय से ले सकते हैं जो किसी दूसरे फीड के अंदर भारत में नहीं मिलता। अगर आपके हरा चारा पर्याप्त मात्रा में तो उसका डोज एक अलग रहता है, अगर आपके यहाँ पे नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाय को उससे विटामिन ए मिलना है, गाय को उससे मिनरल्स मिलने हैं, विटामिन मिलने हैं, वो सब उसको मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको जैसे कि आप उसको हरा चारा दे रहे हैं, हरे चारे की बात चली तो मैं आपको बताता हूँ, हरा चारा जिसको आप दे रहे हैं, अगर आपने छोटी घास दी है गाय को तो उसके अंदर विटामिन मिनरल ठीक मात्रा में, लेकिन आपने अगर पीली घास दी है, जैसे आप देखेंगे मौसम परिवर्तन होता है, घास का रंग पीला होने लगता है, तो उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी आने लगती है। और अगर जो आपके छोटे छोटे पौधे और होते हैं, जो मैंने बताया विटामिन मिनरल तो होते हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड की भी कमी आने लगती है, ठीक है, तो नमक की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर जैसे हम लोग सॉइल टेस्टिंग नहीं करते हैं जब चारा देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी हमारी सॉइल में रहती है, हमारे खेत में रहती है, तो वो कमी गाय के अंदर भी आती है। लेकिन ये इस आहार से ये सब चीज़ें दूर होती है, आपकी इस फीड से आपकी वो सारी चीज़ें दूर होती है, आपका उत्पादन बढ़ता है और आपका प्रॉफिट बढ़ता है। तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चाहे तो इंडिया मार्ट पर ऑर्डर कर सकते हैं, आप चाहे तो एक्सपोर्टर्स इंडिया पर कर सकते हैं, मेरा नंबर इस वीडियो के अंदर दे रखा है, आप चाहे तो उस लिंक पे जाकर के मुझे कॉल कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया हम लोग सप्लाई करते हैं इसकी, हमारे सारे ट्रांसपोर्टर से टाइम हैं और आपकी लोकेशन से ये चीज़ आपको डिलीवर हो जाती है। मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, देखिए इतना मैंने आपको इसके बारे में बताया क्योंकि आप मेरे ग्राहक हैं और आपको जानने का अधिकार है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 7.5% या 20% इसके अंदर दूध बढ़ता है तो क्यों बढ़ना चाहिए, वो अगर मैं कह रहा हूँ फैट बढ़ती क्यों बढ़नी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में समझाया है सब कुछ। और आप इसको लीजिए और आप देखिए कि आपकी फार्म की उत्पादकता और आपका प्रॉफिट किस तरीके से एकदम मशीन की तरह दौड़ने लगता है।
ये बेसिकली एक जैसे मैंने कहा कैटल फीड है, तो ये गाय के लिए भी यूज़ में है और ये भैंस के लिए भी यूज़ में है, बस उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ये डोजेस को एडजस्ट करें। तो कोई भी भाई लेना चाहे तो ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट के साथ में ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी। राहुल सर जी का नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन पर इनकी कंपनी का नाम, वेबसाइट का नाम, सब कुछ एड्रेस आपको फुल मिल जाएगा। अगर आप आना चाहते हैं तो बीकानेर में है ही अपना, यहाँ पे विजिट करके भी आप परचेजिंग कर सकते हैं, और ऑनलाइन मंगाना चाहें तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया।